नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 24 स्लॉट मदानी मोटर का वाइंडिंग डायग्राम प्लस में डेटा प्लस में कनेक्शन। वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। दोस्तों, 24 स्लॉट मदानी मोटर का डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 24 स्लॉट्स बना दिए हैं। इसका जो पिच होता है 1 से 4, 1 से 6 होता है, ठीक है। तो पहले रनिंग कॉइल हम डालते हैं, तो पहले सबसे पहले हम पिच बनाते हैं। यहां से चलेंगे 1, 2, 3, 4, ये 1 से 4 बन गया। इसके ऊपर 1 से 6 बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 4, 1 से 6 ऐसे पिच बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट पिच आपको बता देते हैं, इसको घुमा के, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे फिर 6 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, ये खाली रहेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। इसी तरह फिर 6 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर ये खाली रहेंगे, फिर 1 1, फिर 6 बनेगा, ठीक है, फिर 4 बनेगा, फिर खाली रहेंगे, फिर 1 यहाँ पे रहेगा, 1 यहाँ पे रहेगा। इस तरह से रहती है पिच, ये पिच बनती है। तो सबसे पहले हम 1 से 4 में कॉइल डालते हैं। कॉइल की लंबाई जो होती है 19 इंच की होती है, रनिंग का मैं बता रहा हूँ पहले आपको। और मदानी के अंदर रनिंग स्टार्टिंग दोनों सेम होती है, सेम डेटा होता है। कॉइल की लंबाई भी बराबर होती है। तो सबसे पहले कॉइल 1 से 4 के अंदर डालती हैं एक बार, फिर 1 से 6 में डालती हैं दो बार, और फिर आउटर तार निकल जाता है एक। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे इस तरफ, फिर कॉइल डलेगी 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में दो बार, और आउटर तार निकल जाएगा। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे एक से चार में एक बार, 1 से 6 में दो बार कॉइल डलेगी, आउटर तार फिर निकल जाएगा। उसके बाद रनिंग की अंतिम कॉइल डलेगी, इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ रहता है। 1 से 4 में एक बार कॉइल मोड़ के डाली जाती है, और 1 से 6 में कॉइल दो बार मोड़ कर डाली जाती है, एक ही कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे आउटर पॉइंट निकल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों रनिंग कॉइल डल जाती है सारी की सारी। अब इसके कनेक्शन भी मैं आपको तुरंत के तुरंत ही बता देता हूँ। देखिए, पहली कॉइल जो हमने डाली थी, इसका आउटर तार छोड़ दीजिए, इनर तार है अगली के इनर से जोड़ दीजिए, अगली के इनर से, ठीक है। अब दूसरे नंबर का आउटर अगले के आउटर से जोड़ दीजिए, तीसरे के आउटर से, अब तीसरे का इनर चौथे के इनर से जोड़ दीजिए, दो तार बच जाते हैं, ठीक है, यह बाहर निकलते हैं। अब स्टार्टिंग का डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। इस तरह रनिंग कॉइल डालने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, हम स्टार्टिंग के लिए डालते हैं। तो मोटर को थोड़ा सा यहाँ पे घुमा लेते हैं, और हम इन कॉइलों को देखते हैं। एक पहले नंबर की कॉइल, एक दूसरे नंबर की कॉइल। इसका पहले नंबर का की लेफ्ट साइड और दूसरे नंबर की राइट साइड में जो कॉइल सबसे ऊपर डाली गई हैं, जिसमें डबल डबल डली हैं, इनको स्कीप कर देना है, इन दो को स्कीप कर देना है।
और जिसमें सिम सिंगल सिंगल डाली गई है, इसमें एक से चार बनाना है, और इसके ऊपर जो खाली खाली है एक से छह बनाना है, और इसमें कॉइल डालनी है, पहले एक से चार में एक बार, फिर एक से छह में दो बार। तो ये इनर तार यहाँ से सबसे पहले एक से चार में, और फिर यहाँ से एक से छह में दो बार तार डाल देना है, और यहाँ पर आउटर पॉइंट आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ना है सेम तरीके से। यहाँ पे भी आगे दो भरे हुए जो स्लॉट हैं जिसमें डबल डाले गए हैं उनको छोड़ना है, फिर एक से चार बनाना है उसके ऊपर फिर एक से छः बनाना है, और फिर सबसे पहले एक से चार में एक बार डालना है, एक से छः में दो बार कॉइल मोड़ के डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ना है सेम तरीके से बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भरे हुए स्लॉट्स जिसमें डबल डाले गए हैं, इनको छोड़ के एक से चार आपको बनाना है, उसके बाद एक से छः बनाना है। या आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो पहले खाली में जैसे एक वायल डल गई उसके बाद आप छः बनाइए, फिर चार बनाइए, फिर दो छोड़िए, फिर एक एक ऐसे कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो समझने में, एक से चार में एक बार डालना है, एक से छः में दो बार डालना है, फिर आउटर पॉइंट निकल जाता है। उसके बाद फिर से आगे बढ़िए, मैं फिर से इस तरह से चल सकते हैं, आगे खाली स्लॉट है उसको छः बना लीजिए, फिर चार बना लीजिए, फिर स्कीप कर दीजिए, फिर स्कीप कर दीजिए, फिर एक बना लीजिए, फिर उसके ऊपर एक बना लीजिए, ये बन गया एक से चार, एक से छः, दो बीच में स्कीप करके, ठीक है। सबसे पहले एक से चार में, फिर एक से छः में कॉइल दो बार डालेगी एक से छः में, और आउटर तार निकल जाएंगे। अब देखिए चार कॉइल यहाँ पे रनिंग में डल के कनेक्शन कर दिखा दिए थे हमने, और यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हैं। अब स्टार्टिंग में भी इसी तरह से हमने पहले कॉइल यहाँ से डाली तो पहली कॉइल का आउटर तार छोड़ देना है कनेक्शन के लिए, ठीक है, बाहर निकालने के लिए, और इनर तार पहले का इनर अगले के इनर से जोड़ देना है, इनर इनर से एक से तीन में जुड़ जाएगा, ठीक है। आप देखिए दूसरे नंबर का आउटर बचाओ, तीसरे के आउटर से आप जोड़ दीजिए। अब तीसरे का इनर बचा है, चौथे के इनर से जोड़ दीजिए। अब हमारे पास टोटल चार तार बचे हैं, देखिए ये दो स्टार्टिंग के आउटर आउटर और दो रनिंग के आउटर आउटर, टोटल चार तार बचे हैं। अब उसके कनेक्शन कनेक्शन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहीं पे ही आपके चार तार निकलेंगे। तो इन चार तारों के तो आप बाहर निकाल लीजिए, या आपके देखिए चार तार आपके ऐसे हैं, रनिंग रनिंग, ठीक है, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग, ये चार तार निकल रहे हैं आपके। अब आपको करना क्या है, कनेक्शन ऐसे होंगे, एक रनिंग का लीजिए, एक स्टार्टिंग का लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, एक रनिंग स्टार्टिंग का, आपस में एक तार बना लीजिए, ठीक है। अब दो तार ये हो गए, टोटल तीन तार हो गए आपके, ठीक है। एक ये हो गया बीच का, ये कॉमन बोल सकते हैं इसको, और दो और हैं, ठीक है। अब इसके कनेक्शन आपको देने हैं, यहाँ पे स्विच होता है 3 पिन का मदानी के अंदर, और यहाँ पे आपका बिजली का बोर्ड है वहाँ से, ठीक है, दो तारे आती हैं, तो एक तार तो सीधी स्विच में चली जाएगी, ठीक है। अब ये दो तारे जो आ रही हैं ये आपके यहाँ स्विच पे चली जाती हैं, ठीक है। और ये दूसरा जो पॉइंट है ये सीधा यहाँ पे चला जाएगा। तो एक स्टार्टिंग का तार यहाँ पे, ठीक है, पिन नंबर 3 में, बीच की जो पिन है 2 नंबर वो बिजली के बोर्ड में, और जो एक रनिंग का है वो तार यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और ये जो तार बचता है एक, ये जो तार एक बचता है ये जाएगा एक दूसरा जो स्विच होता है उसकी 2 पिन वाला स्विच, उसकी 1 पिन में, और स्विच का दूसरा तार सीधा बिजली के अंदर। तो ये कनेक्शन है,
ये बटन उल्टा सीधा चलाने के लिए है, ठीक है। कभी कोई सी कॉइल रनिंग बनेगी, कभी पहले वाली रनिंग बन जाएगी, और उल्टा उल्टा सुल्टा चलाने के लिए, कभी किसी को रनिंग बना देगा, कभी किसी को स्टार्टिंग बना देगा, ठीक है। स्टार्टिंग और रनिंग को आपस में चेंज करने के लिए। अब कैपेसिटर की बात है, इसके अंदर कैपेसिटर्स रह जाता है, तो कैपेसिटर पहले कितने का लगाएं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैपेसिटर्स सी, ठीक है, यहाँ कैपेसिटर लगेगा 3.15 का। कैपेसिटर 3.15 का यहाँ पे लगता है, और कैपेसिटर की दो तारे होती हैं, ये आपको बिल्कुल आराम से देखना है। ये दो तारे जो होती हैं, ये आपको ये जो स्विच की पिने हैं, फर्स्ट वाली, पहले नंबर की, तीसरे नंबर की, इनमें दे देना एक एक, किसी भी तरह उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से। ये आप यहाँ पे लगा दीजिए डायरेक्टली, एक रनिंग के बचे हुए तार में, एक स्टार्टिंग के बचे हुए तार में, कॉमन में नहीं लगाना। तो ये 3.15 का कैपेसिटर में चलेगा। तो इसका एक कनेक्शन डायग्राम हो गया, एक से तीन कनेक्शन बोलते हैं मोटर के कनेक्शन को, और ये टोटल मैंने कनेक्शन बता दिए स्विच के, कैपेसिटर के। तो एक कनेक्शन और वाइंडिंग डायग्राम हो गया। अब इसका डेटा आप लिख लीजिए जल्दी से, इसका डेटा मैं आपको दे देता हूँ। इसका डेटा दे रहा हूं, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। चौबीस स्लोट्स, ठीक है, 24 स्लोट है मधानी मोटर, इसका स्टेटर साइज है 1 इंच, ये इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हो तो आप क्या करें कि कॉइल की लंबाई 1 इंच बढ़ा दीजिए, कम हो तो यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर SWG जो है वो डलेगा रनिंग के अंदर 35 नंबर, स्टार्टिंग के अंदर 35 नंबर, 35 नहीं है तो 34 भी आप डाल सकते हो, मैं पर लिख देता हूँ, ठीक है, 34 भी आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और बात करते हैं यहाँ पे क्वाइल की, फर्मा रहेगा रनिंग के अंदर 19 19 इंच। अगर स्टेटर साइज थोड़ा सा कम है तो भी ये चलेगा, 1 इंच तक ये चल जाता है। अगर इससे थोड़ा ज्यादा हो स्टेटर साइज तो थोड़ा सा फर्मा बढ़ा लीजिए, टर्न वर्न करने की, गेज गाज चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टर्न की, टर्न की बात करते हैं, टर्न हो गए रनिंग के अंदर 200, स्टार्टिंग के अंदर 200, दोनों के अंदर सेम रहेगा, ठीक है। जब ही ये दोनों तरफ एक स्पीड पे घूमेगी तो टर्न में, और गेज भी सेम रहेगा दोनों में, टर्न भी और कॉइल लेंथ भी सेम रहेगी, और पिच मैंने बता दी थी आपको। पिच रहेगा रनिंग में 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 में 2 बार, स्टार्टिंग में 1 से 4 में 1 बार, और 1 से 6 में 2 बार।
आरपीएम की बात करें तो यहाँ पे 1440 के आसपास ये मिलते हैं, 1300 से 1440 के आसपास। और ये डाटा की बात करें तो आप कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में ये डेटा लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप कॉपर में रिवाइंड कर रहे हैं तो 35 नंबर से कर लीजिए, अगर एल्युमिनियम से कर रहे हैं तो 34 नंबर से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेटा लग दोनों का ही सेम ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कनेक्शन 1 से 3 में रहेंगे, 1 से 3 पहले भी बता दिया था। ठीक है, कनेक्शन 1 से 3 में रहेंगे और कैपेसिटर रहेगा 3.15 UF MFT का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो आज की तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।